स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। दुनिया भर में 60% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, इससे उनकी सेहत पर तो असर पड़ता है, साथ ही बीमारियां भी उन्हें घेर रही हैं। तो इसका सबसे बुरा असर भी लिवर पर पड़ता है, जिसे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। स्वामी जी, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का खतरा भी इससे बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम अपने शरीर को कैसे तैयार करें? और ये तो हम सबको मालूम ही है कि पीना तो हमें साफ पानी ही चाहिए। हर परिस्थिति से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो देखो आज योग के और अलग अलग एक्टिविटीज़ के कई आयाम यहाँ एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो मेरे दाएं और बाएं और बेटियाँ एडवांस योग कर रही है, जो ऐसा कर लेंगे उनका तो हाजमा इतना ज़बरदस्त होगा, जैसा भी पानी पी लिया, जैसा भी खाना खा लिया, सब हजम हो जाएगा। लेकिन जब उत्तान पादासन तो हो ही नहीं सकता, लोगों से इतनी खराब हालत है, ये उत्थित पश्चिमोत्तान आसन और ये सब अभ्यास ये कर कर के अपने हाजमे को इतना दुरुस्त बना ले कि खाने पीने में जरा सी कुछ ऊंच नीच भी हो जाए। पहली बात तो ये है कि हमें साफ पानी ही पीना चाहिए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, यह हमारे मौलिक अधिकार है। दीज आर द आवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ आहार, शुद्ध आहार, यह हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल, ये ह्यूमन राइट है हमारा। खैर, सर्वांगासन, हलासन, एक एक आसन को थोड़ा लंबा कराते हैं तो ये पाचन के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब किसी ने ज़्यादा नहीं उपाय तो यही से तो बंद है, पवन मुक्त आसन ही लंबा कर लिया। जो कठिन अभ्यास कर सके बहुत अच्छी बात है, उसके लिए दाएं बाएं हमने कहा पूरा क्रम चल ही रहा है। और ये भादों के महीने की गर्मी के बीच में भी बच्चे जबरदस्त योग कर रहे हैं, और साहब इधर तो देखो ये पैर योगा का नया ही दौर शुरू हो गया है, क्या जबरदस्त है, एक बार जोरदार तालियां बजा। और उधर मलखंभ पर भी नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इधर पैर योगा का दौर चल रहा है, मलखंभ पर योग चल रहा है, और उधर कुश्ती का दौर चल रहा है, और सर्वांगासन, शीर्षासन। चलो भाई आप तो मत करना, कभी सीढ़ियों से नीचे ही लुढ़क जाओ, आप तो अनुलोम विलोम और कपाल भाति करो। हाँ, तो ये आज का दौर एक चरण पूरा हुआ, अब आगे बढ़ते रहेंगे। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सुबह सुबह उठ करके तेज चलो, तेज छोड़ो, फिर देखो जिंदगी कितनी अच्छी बनेगी और कितने अच्छे से चलेगी। यहाँ तो बेटियाँ तो डांस के भी सारे स्टेप उनके गुरु के साथ, टीचर के साथ कर रहे हैं एकदम आनंद से, और इधर आगे संगीत भी चल रहा है, क्या आनंद ही आनंद है। स्वामी जी, इन बच्चों को देख के तो लगता है कि इन्हें प्रोटीन की कमी तो होगी नहीं। अमित जी, स्वामी जी, इन्हें प्रोटीन की कमी होगी नहीं, क्योंकि जिस तरह का आप इनको भोजन देते हैं गुरुकुल में, मुझे लगता है कि इससे बेहतर हो नहीं सकता। दूसरा है, जिस तरह के आप उनके फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं स्वामी जी, मुझे तो लगता है लोहा भी हजम कर जाएंगे जो हम सोच ही सकते हैं। अब स्वामी जी, प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल लोग मसल्स को बढ़ाने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं ज्यादातर, लेकिन जो मांसपेशियां है वो मजबूत हो, इसके लिए पावर योग का भी एक सेशन हो जाए, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर दी है, शरीर भी गर्म हो गया है। अब स्वामी जी झटपट से एक पावर योग का सेशन कर लेते हैं। देखो पावर योग का सेशन तो रोज हम कराते हैं जी। एक तो हमने सबको टारगेट दे रखा है 100 बार ये सर्पदंड करने का, 1 2 3 4। एक तो पावर योगा इधर चल रहा है, देखो
इधर बेटियों का, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। क्या जबरदस्त है, लेकिन ये जरूर करें 100 बार भुजंगासन, सर्पदंड ऐसे, साधारण दंड ऐसे, फिर ये हनुमान दंड ऐसे, ये बहुत जरूरी है ऐसे, ऐसे पार्श्व दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, फिर चक्र दंड। हाँ, जो इन बेटियों की तरह कर सके फिर तो बात ही क्या। और फिर हमारे साथ अब तो लाखों करोड़ों भाई बहन करने लग गए, और कम से कम मिश्र दंड ऐसे, पूरे नीचे गए, पूरे ऊपर उठे, पूरे वापस आ गए, नहीं तो ये भुजंग आसन ऐसे, ये 100 बार करने ऐसे। ये बेटियां तो कुछ ज्यादा ही उलझ पुलझ हो गई भाई। हाँ, मेरे दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी बहुत जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। और स्वामी जी, बेटियां उलट पुलट हो रही हैं, जो कर लिया तब। लेकिन तो साथ ही स्वामी, जो मलखम में जो आपके जो विद्यार्थी हैं, छात्र इस वक्त कर रहे हैं मलखम, मुझे लगता है कि स्वामी जी इससे तो बहुत जबरदस्त आपके जो मसल्स हैं, स्ट्रेंथ बढ़ता होगा, और साथ ही साथ जो इसका फायदे हैं स्वामी जी बताइएगा, क्योंकि लोगों को मलखम के बारे में लगता है कि स्पोर्ट्स से क्या फायदा होता है इससे। तो देखो, पावर योग का भी करा दिया, साधारण दंड से लेकर के और मिश्र दंड तक, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड तक, और ये मलखम्ब में चलो बेटियों, पूरे चढ़ जाओ पर। हाँ, कठिन कठिन आसन उधर चल रहे हैं। अब ये देखने में नाजुक सी बेटियां हैं, लेकिन इनमें ताकत बड़ी है। अब ताकत नहीं होगी तो मलखम्ब बड़ा चिकना है, इसमें चढ़ ही नहीं पाएंगे। और चढ़ करके फिर ऊपर आपको एक्ट करना है, आसन करना है, और उसको करने के लिए आप की मसल्स में ताकत चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए। हा? एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो, चाहे वो रूप मलखम्ब करते हुए आपने इंटरनेशनल योग डे पर देखा था, ज्योत्सना जी ने, मीनाक्षी जी ने, आपने भी देखा था जी स्वामी जी, रूप मलखम्ब भी करते हैं और लकड़ी के मलखम्ब पर भी करते हैं, और ये तो चल ही रहा है दाएं बाएं दो कठिन आसनों का। मैं तो कहता हूँ इतना भी ना कर पाए तो ये मंडूक आसन ही कर लो, पवन मुक्त आसन ही कर लो, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो आप जैसे शरीर को ढालेंगे, जैसे अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपने जीवन को ढालेंगे, वैसे ही जीवन ढलता चला जाएगा।